शुक्रवार को आरबीएस कॉलेज के राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम में गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर ऋतु महेश्वरी, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने गाइड्स को किस तरह टूरिस्ट से अपना व्यवहार रखना चाहिए और आगरा में पर्यटन में कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर अपनी अपनी राय रखी। शुक्रवार को आरबीएस कॉलेज के राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम में गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर ऋतु महेश्वरी, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिदर सिंह ने गाइड्स को किस तरह टूरिस्ट से अपना व्यवहार रखना चाहिए और आगरा में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर अपनी अपनी राय रखी। आज ये आगरा प्रशासन द्वारा एक पहल करते हुए जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है और ऐसा सेशन ये सभी गाइड्स के लिए रहेगा। आज पहला सेशन था, उसके बाद अगले फ्राइडे भी ये सेशन होगा। इसमें ये दो शुरुआत की गई हैं, एक तो आगरा टूरिज्म को एक अलग पहचान देने के लिए सभी गाइड्स के लिए एक मैंडेटरी जैकेट लॉन्च की गई है जो टूरिज़्म विभाग के द्वारा डिज़ाइन कराई गई है। तो ये गाइड्स को अपने आप लेनी होगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है उससे लिंक की जाएगी। दूसरा, एक बार कोडेड आईडी कार्ड आज सिंबॉलिक शुरुआत कर दी गई है, तो जितने भी गाइड्स हैं वो टूरिज़्म विभाग की वेबसाइट पे बार कोडिंग के माध्यम से अगर कोई उसको चेक करना चाहे कि वो रजिस्टर्ड गाइड है या नहीं है तो पूरा ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस है वो वेबसाइट पे रहेगा। तो ये एक बड़ी शुरुआत है कि अनरजिस्टर्ड गाइड्स या लपकों की जो समस्या है उससे निपटने के लिए उसको ऑथेंटिकेशन प्रदान किया गया है। हिंदुस्तान का नाम लगातार विदेश में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। साथ ही जब भी कोई भी पर्यटक विदेश से हिंदुस्तान घूमने के लिए आता है तो वह मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने के लिए जरूर आता है। गाइड्स और उनके एसोसिएशन के पदाधिकारी, मीडिया बंधु, हमारे से पहले बहुत से वक्ता जो हमारे टूरिस्ट एसोसिएशन के थे उन्होंने एक दो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी कही। सारी चीज़ें अच्छी थी लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं उन्होंने कहा कि गाइड हमारे कल्चर का एम्बेसडर है, हमारी हिस्ट्री का एम्बेसडर है। गाइड किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं होता है, जो देश की छवि को तो बढ़ाता ही है, साथ ही पर्यटकों को अपने देश के इतिहास को भी पर्यटकों से रूबरू कराता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित टूरिज्म डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स, गाइड एसोसिएशन के अधिकारी, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हमारे गाइड बंधु और मीडिया के सम्मानित हैं। आज एक बहुत अच्छी पहल की गई है और कमिश्नर मैन ने इस पर काफ़ी फोकस किया और इसको केंद्र में रखा जो यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। उस दिशा में जो हमारे गाइड बंधु हैं इनके एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता महसूस की गई और यह महसूस किया गया कि एक दिवसीय यह कार्यक्रम विभिन्न सत्रों में छोटे छोटे सत्रों में बांट करके आयोजित किया जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में 500 से अधिक गाइड ने भाग लिया, साथ ही गाइड को और टूरिस्ट से किस तरह व्यवहार किया जाए इस पर कई तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम में किया गया था, जिसमें होटल के होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म और ऐसे लोग जो टूरिस्ट को बढ़ावा दे सके, इस पर भी कार्यक्रम में चर्चा की गई। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।